हेलो फ्रेंड्स, पालमाई नॉलेज टू यू यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द अपकमिंग वीडियो। इस वीडियो में क्लास 7 सीबीएसई बोर्ड के मैथमेटिक्स के फ्रैक्शन और डेसिमल्स को हम इसमें समझेंगे और एक्सरसाइज 2.1 को पूरा करेंगे। तो पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था, आप लोगों ने पढ़ा था कि फ्रैक्शन कितने होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है और मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। तो अगर आप बात करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, जैसे 1/2 एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं। इसे न्यूमरेटर कहा जाता है और इसे डिनोमिनेटर कहा जाता है। जहाँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से अधिक है, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, वहाँ वो फ्रैक्शन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाती है। मान लो यहाँ पर 5/2 है, देन यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, सो यहाँ पर ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 5/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/2 प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 and 1/2, तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो आप इसी तरह की प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन की 4-5 एग्जांपल आप खुद बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.1 को। 2.1 में 2 - 3/5 है, तो इसको सॉल्व करना है, यानी कि 2 में से 3/5 को घटाना है। तो 2 में से 3/5 को कैसे आप घटा सकते हो? आप या तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, मान लो 2/1, इसको 1 भी कह सकते हैं। तो 1 और 5 का जो एलसीएम होगा वो कितना होगा? 5 होगा। 5 में हम 1 का जो डिनोमिनेटर है उसका डिवाइड करते हैं तो 5 आता है, और 5 का मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर के साथ में करते हैं तो 5 2 10 माइनस, अब 5 का 5 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 का हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर के साथ में यानी कि 3 के साथ में, तो 3 1 3। तो 10 में से 3 आप माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 7, और नीचे डिनोमिनेटर आपका 5 है, तो ये हमारे पास में आएगा 7/5। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा। अब यहाँ पर प्रश्न ये है कि आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो 7/5 है यहाँ पर, यहाँ पर आप डायरेक्ट 7 में 5 का डिवाइड कर दो तो 5 1 5 हो जाएगा, घटाओगे तो आएगा 2। तो यहाँ पर ऐसे लिखा जाता है इसको 1 and 2/5, 1 and 2/5, तो ये इसका आंसर है। देन इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों ही डिनोमिनेटर अलग अलग है, यानी कि 10, 5 और 2, और यहाँ पर आप एक संख्या आप देख सकते हो, यहाँ पर एक कंपोजिट नंबर है, बाकी दोनों प्राइम नंबर है। अगर यहाँ पर कभी भी कोई कंपोजिट और प्राइम नंबर अलग अलग नंबर आते हैं तो हमें उनका एलसीएम निकालना होता है। तो इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे 10, 5, 2। आप ये देख सकते हो यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 2 है, तो ये दोनों ही संख्या 2 से डिवाइड हो सकता है, यानी कि 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 5 2 10, 2 का 5 में डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए 5 को एजिटिस रखेंगे और 2 1 2। अब 5 और 5 इन दोनों में ही 5 का डिवाइड दे सकते हैं, तो 5 1 5 5 1 5 और ये 1, तो इन दोनों का, इन तीनों का एलसीएम आ गया हमारे पास में 10 into 5 2 into 5, यानी कि 10। अब हम इसमें यहाँ पर नीचे डिनोमिनेटर के स्थान पर हम रखेंगे एलसीएम, यानी कि
10 को। अब 10 में हम 10 का डिवाइड करेंगे इस वाले 10 का, तो 10 में 10 का डिवाइड देने पर आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई करते हैं हम न्यूमेरेटर के साथ में यानी कि 7 के साथ में, तो आएगा 7 × 1 = 7 प्लस। अब इसकी बारी आती है 5 का डिवाइड करेंगे हम 10 में, तो आएगा 2, और 2 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 2 के साथ में, तो 2 × 2 = 4 प्लस। अब इस वाले फ्रैक्शन को लेंगे, 2 का डिवाइड हम करेंगे 10 में, तो आएगा 5, और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 के साथ में, तो 5 × 3 = 15। अब इन तीनों संख्याओं का जोड़ेंगे, तो आएगा 7 × 4 = 11, 11 × 15 = 26, 26 upon 10। अब आप देख सकते हो कि 26 2 से डिवाइड हो सकता है और 10 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, तो इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 5, और 26 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आएगा 13। इसका मतलब है दोनों यहां पर कंपोजिट नंबर है, लास्ट डिजिट यहां पर आप देख सकते हो कि इवन नंबर है, अगर लास्ट डिजिट इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। क्लियर, ये पॉइंट आप नोट कर सकते हो, तो इसका आंसर आएगा 13/5। तो ये एक इंप्रॉपर फ्रैक्शन है, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, तो सेम प्रोसेस आपको लिखना है 13/5, 5 का डिवाइड हम करेंगे 13 में, 5 × 2 = 10 घटाओगे तो आएगा 3, और 3 को यहाँ रखना है और 5 को यहाँ रखना है, ये वाला 5 उठ के यहाँ जाएगा, तो इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन आएगा 2 × 3/5, तो ये हमारा आंसर है। इसी तरह से आप सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सेवेंथ, सिक्स इसको आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि घटते हुए क्रम में आपको लिखना है, यानी कि जो सबसे बड़ा फ्रैक्शन है उसे पहले, और जो सबसे छोटा फ्रैक्शन है उसे आखिर में, लास्ट में। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ आपको, दूसरा वाला क्वेश्चन आप घर पर ट्राई कर सकते हो। तो मैं आपको इजी मेथड में आपको बताऊंगा इस वीडियो में, जैसे 2/9 है, 2/3 है, 8/21 है। सबसे पहले तो आप इनके डिनोमिनेटर हैं, इसको आप इक्वल बना लो, ठीक है। इक्वल बनाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें से सिर्फ एक ही प्राइम नंबर है जो कि 3। यहाँ पर 9 और 21 दोनों कंपोजिट नंबर है, यानी कि एलसीएम हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप एलसीएम निकालो 9, 3 और 21 का। यहाँ पर अगर आप देख सकते हो कि 9 में 3 का डिवाइड जाएगा, 3 में भी जाएगा, और 21 में भी 3 का डिवाइड दे सकते हैं, तो 3 ले लेते हैं, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 3 और 3 × 7 = 21। अब इन दोनों में से कोई भी संख्या किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं हो सकता, यानी कि अब ये तीन दोनों नंबर प्राइम नंबर हो गए, ठीक है। तो इनका एलसीएम क्या आ जाएगा, 3 × 3 × 7। सो इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 63, 3 × 3 = 9 और 9 × 7 = 63। अब यहां पर 9 का डिवाइड करो आप 63 में, क्या मिलेगा आपको, 7। तो 7 का मल्टीप्लाई करो 9 में, और वैसे ही मल्टीप्लाई करो ऊपर 2 के साथ में, यानी कि 2 × 7 और 9 × 7, ये वाला हो गया। अब इसमें 3 का डिवाइड करो 63 में, तो आएगा 21। तो 21 का मल्टीप्लाई 3 में भी करना है और आपको 2 में भी करना है,
तो 3 × 21 और 2 × 21। ऐसे ही यहाँ पर 21 है, 21 का डिवाइड आपको करना है 63 में, तो इन दोनों से 21 बन रहा है, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई अगर 21 में करोगे तो 63 प्राप्त होगा। तो 21 में सबसे पहले तो आप लिखो 8/21। इन दोनों ही संख्याओं में यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही आपको 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो आप देख सकते हो कि तीनों ही में 63 प्राप्त हो गया आपको। ठीक है, तो 7 × 14 और 7 × 63 63 आ गया। यहाँ पर ऐसे ही 21 × 42 / 63, 3 × 8 = 24 / 63। अब यहाँ पर तीनों के ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इक्वल हो गए हैं। अब आपको इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है, तो आप इजीली बता सकते हो कि 42 सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले ये लिखना है 42/63। इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी है, 24। 24 को लिख लो आप 24/63, और आखिर में ये संख्या बचती है यानी कि ये सबसे छोटी संख्या है, तो 14/63। ये हमारा आंसर है और यही इसकी डिसेंडिंग ऑर्डर है। दूसरा वाला क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, इन तीनों का एलसीएम सबसे पहले आप निकालना। यहाँ पर 10 और 5 यानी कि तीनों का ही एलसीएम आप निकाल सकते हो। यहाँ पर 5 से 10 डिवाइड हो सकता है और 5 भी, सो मैं एलसीएम निकाल के मैं हिंट दे देता हूँ मैं आपको 5, 7, 10। तो 5 का डिवाइड आप करोगे 5 × 5, 7 एज इट इज रखोगे और 5 × 10। अब यहाँ पर ये दोनों ही संख्या प्राइम नंबर आ गई है। प्राइम नंबर मैं आपको बता दूं, प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है। प्राइम नंबर वो होती है जिन संख्याओं में 1 और उस संख्या के अलावा किसी और दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो वो संख्या होती है प्राइम नंबर। एग्जाम्पल के लिए 5 को हम 1 और 5 के अलावा किसी और दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। 6 है, 6 को 1 और 6 के अलावा 2 से भी डिवाइड दे सकते हैं और 3 से भी डिवाइड दे सकते हैं, ये इसलिए 6 एक कंपोजिट नंबर है। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर को जानना, तो इसे आप नोट कर सकते हो, तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 में एक मैजिक स्क्वायर है। मैजिक स्क्वायर आप समझते हो जिसके साइड बाय साइड, टॉप टू बॉटम और डायगनली जितने भी नंबर होते हैं उन संख्याओं का योग इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि इस तरह से इन तीनों नंबरों को जोड़ोगे तो भी इक्वल नंबर आएगा, ऐसे डायगनली प्लस करोगे यानी कि 2/11, 5/11 और 8/11 इन तीनों को ऐड करोगे तो भी सेम नंबर आएगा, इस तरह से करोगे तो भी सेम नंबर आएगा 2/11, 7/11 और 6/11, तो इसे एक मैजिक स्क्वायर कहा जाता है। तो इन तीनों नंबरों को आप जोड़कर देख सकते हो सभी को, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक मैजिक स्क्वायर है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इतने मीटर लॉन्ग एंड इतने मीटर वाइड, फाइंड इट्स पेरीमीटर। तो मैं अभी क्वेश्चन नंबर 4 पर हूँ, ये एक रेक्टेंगल शीट पेपर है और ये 12.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और 10 2/3 सेंटीमीटर वाइड है। ठीक है, अब इस रेक्टेंगुलर शीट का आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसी भी रेक्टेंगल शेप का कोई अगर ऑब्जेक्ट है और उसका आप पेरीमीटर निकाल रहे हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है। ठीक है, यानी कि लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला ये है कि
E is equal to 2 into L plus B, ठीक है, यानी कि 2 into लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब यहाँ पर L के स्थान पर आपको 12 एंड 1 अपॉन 2 लिखना है, और B के स्थान पर आपको 10 एंड 2 अपॉन 3 लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपको 2 इंटू, सबसे पहले ये आप देख सकते हो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको सबसे पहले आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 12 एंड 1 अपॉन 2 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करो और इसे प्लस करो, तो 12 टू जा 24 और ऐड करना है 1 को, यानी कि न्यूमेरेटर को आपको ऐड करना है, ठीक है। तो ये होता है पूर्णांक, ये होता है न्यूमेरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर। तो पूर्णांक और न्यूमेरेटर को, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है और न्यूमेरेटर को प्लस करना है, तो 12 टू जा 24, 24 एंड 1 हो जाएगा 25 अपॉन 2, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसे 25 अपॉन 2 लिख सकते हो, प्लस 10 एंड 2 अपॉन 3 को क्या लिख सकते हैं आप, इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसे प्लस करना है, तो 10 3 जा 30, 30 एंड 2 32, 32 अपॉन 3। अब इसके बाद 2 इंटू, इसके बाद इसको और आगे बढ़ाते हैं इसको, इन दोनों का, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं, तो इन दोनों प्राइम नंबर का अगर आपको पेरीमीटर निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो आप इन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 3 टू जा 6 आ जाएगा, 6 में अगर आप 3 का 2 का डिवाइड करोगे तो आएगा 3, और 3 का मल्टीप्लाई आपको करना है 25 में, तो आएगा 75, क्योंकि 25 3 जा होता है 75, प्लस 3 का मल्टीप्लाई आप डिवाइड करना है 6 में तो आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई करना है 32 में तो आएगा 64, ठीक है। अब 2 इंटू, इन दोनों को आप एड अप कर लो तो आ जाएगा 139 अपॉन 6, और ये 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, और आपको मिलेगा 139 बाई 3, तो ये आपके पास में आएगा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो वैसे ही आपको करना है जैसे आपको पिछले सवाल में बताया था, 139 अपॉन 3 इस तरह का एक डिवाइड का साइन करोगे और इसको यहाँ पर उठा के कर दोगे, तो 139 आ गया, यहाँ पर डिवाइड का साइन, और 3 से मल्टी डिवाइड करोगे तो 3 4 सा 12, 1 9 3 6 18, रिमाइंडर 1, और 1 को लिखना है यहाँ पर, और ये वाला 3 उठ के आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास में इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या प्राप्त हुआ, 46 एंड 1 अपॉन, ये हमारा आंसर है। और क्योंकि पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर लिखना ना भूलें, तो ये हमारा आंसर आ गया, इस तरह से आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फर्स्ट नंबर इज, यहाँ पर पहला वाला एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का सिंबल होता है इस तरह का ए बी ई, यानी कि इस ट्रायंगल की बात हो रही है ए बी ई, ठीक है। और यहाँ पर रेक्टेंगल है दूसरा वाला बी सी डी ई, यानी कि ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है इन दिस फिगर, यानी कि इस फिगर में हुज पेरीमीटर इज ग्रेटर, यानी कि किसका पेरीमीटर अधिक है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होता है और
रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है। रेक्टेंगल का पेरीमीटर मैंने आपको पहले ही बताया था, 2 इंटू एल प्लस बी। तो सबसे पहले आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बी सी डी इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। ठीक है, सो यहां पर 2 इंटू एल के स्थान पर आपको लिखना है ये लंबाई होगी, लेंथ होगी 2 एंड 3 अपॉन 4 सेंटीमीटर प्लस इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेथ होगी 7 अपॉन 6 सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 2 इंटू सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 8 2 4 2 8 8 एंड 3 11, तो 11 अपॉन 4 आ गया प्लस 7 अपॉन 6। इसके आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू इन दोनों का एलसीएम आप निकालोगे सबसे पहले, तो 4 और 6 का एलसीएम होता है 2 से डिवाइड चला जाएगा, 2 2 4 और 3 2 6, ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं यानी कि और किसी संख्या से डिवाइड नहीं दे सकते हैं, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 2 3 6 6 2 12। तो यहाँ पर 12 आप लिखो, 12 में 4 का डिवाइड करोगे तो आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई आपको करना है 11 से तो आएगा 33 प्लस 6 का डिवाइड करना है 12 में आएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई करना है 7 के साथ में तो आएगा 14 और 14 और 33 आपको ऐड करना है तो 2 इंटू 47 अपॉन 12 ये कट जाएगा 6 बार में। और इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अभी आप कन्वर्ट मत कीजिए, 47 अपॉन 6। अब ये तो आ गया इतने सेंटीमीटर रेक्टेंगल का पेरीमीटर आ गया, अब आपको निकालना है इस ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का ट्रायंगल का पेरीमीटर निकालने के लिए जिसकी जितनी भी साइड्स है उन सबको आप जोड़ दीजिए तो उसका पेरीमीटर निकल आएगा, यानी कि ए बी प्लस बी ई प्लस ए सी ए ई। तो आप लिख सकते हो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू ए बी प्लस बी ई प्लस ई ए। ठीक है, अब ए बी कितना दिया हुआ है 5 अपॉन 2 प्लस बी ई दिया हुआ है 2 एंड 3 अपॉन 4 प्लस ई ए दिया हुआ है 3 एंड 3 अपॉन 5। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है और ये भी मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं सबसे पहले, तो 5 अपॉन 2 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई और इसे प्लस, तो 4 2 8 और 3 11 अपॉन 4 प्लस 5 3 15 एंड 3 18 अपॉन 5। अब इन तीनों संख्याओं का आप एलसीएम निकाल लीजिए, तो 2 4 5 का एलसीएम निकालने पे प्राप्त होगा, ये दोनों 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 2 2 2 4 और 5 2 6 रखेंगे, तो ये दोनों संख्या प्राइम नंबर है यानी कि किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब मल्टीप्लाई कर लीजिए 5 2 10 10 2 20, तो 20 हमारे पास में आ गया एलसीएम। अब 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो आ गया 10 और 10 का मल्टीप्लाई आपको करना है 5 के साथ में, तो 10 5 50 प्लस 4 का डिवाइड करना है आपको 20 के साथ में तो आपको मिलेगा
फाइव और फाइव का मल्टीप्लाई करना है इलेवन के साथ, यानी कि 55 प्लस 5 का डिवाइड करना है 4 के साथ में, तो आपको मिलेगा 4 और 4 का मल्टीप्लाई करना है 18 के साथ, तो 4 का मल्टीप्लाई करोगे 4 8 सा 32, 4 1 सा 4, 4 एंड 3 7, 72 आ गया। इन तीनों संख्याओं को आप ऐड अप कर लो तो आएगा 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17 अपॉन 20, ठीक है। अब ये तो इसका पेरीमीटर है, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर है 47 अपॉन 6। अब यहाँ पर वही कंडीशन है, डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है, तो सबसे पहले इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए इन दोनों का सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे, 20 और 6, 2, 10, 3, तो ये आ गया 60, और एलसीएम आ गया 60। अब नीचे हमें डिनोमिनेटर के स्थान पर हमें 60 चाहिए, तो 60 करने के लिए 20 का 60 में डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई हम ऊपर भी करेंगे और नीचे भी करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर और न्यूमेरेटर दोनों में ही 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आ गया 177 इंटू 3 और 20 इंटू 3। अब इसी प्रकार 47 अपॉन 6 में किसका डिवाइड करेंगे, 10 का, क्योंकि 10 का डिवाइड करने पे ही 60 आएगा, तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 37 जा 21, 37 जा 21 और 2 23, 31 जा 3 और 2 5 अपॉन 60, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे आएगा 470 अपॉन 60। तो आप इससे पता लगा सकते हो कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है वो रेक्टेंगल के पेरीमीटर से अधिक है, यही हमें आंसर निकालना था, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। सलील वांट्स टू पुट अ पिक्चर इन अ फ्रेम, यानी कि सलील एक पिक्चर को फ्रेम में लगाना चाहता है। द पिक्चर इज इतने मीटर वाइड है, टू फिट द फ्रेम द पिक्चर कैन नॉट बी मोर देन, यानी कि जो फ्रेम है फ्रेम इतने मीटर चौड़ा है, ठीक है, और पिक्चर इतने मीटर चौड़ा है, यानी कि डेफिनेटली आप पता लगा सकते हो कि जो पिक्चर है, पिक्चर का जो फोटो है वो उसकी चौड़ाई अधिक है। आप ऐसे भी पता लगा सकते हो कि इसकी चौड़ाई क्यों ज़्यादा है, कैसे, अब सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो तो आएगा 770 प्लस 3, यानी कि 73 अपॉन 10, और ये 35 एंड 3 38 अपॉन 5, दोनों में 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नीचे 10 आ जाएगा, यानी कि 73 अपॉन 10, और इस तरफ हो जाएगा 76 अपॉन 10, तो अब डेफिनेटली साइज ऑफ द पिक्चर इज ग्रेटर देन द विड्थ ऑफ द फ्रेम, तो इसमें से आपको माइनस करके निकालना है कि कितना आपको निकालना है, तो हाउ मच शुड द पिक्चर बी ट्रिम्ड, यानी कि पिक्चर को कितना ट्रिम
करना चाहिए या करना होगा, यानी कि ट्रिम करने का मतलब है उसे काट कर छोटा करना होगा, उसे ट्रिम करना कहते हैं। तो मान लो ये एक पिक्चर है, ठीक है, और फ्रेम का साइज है ये, तो आपको इतना हिस्सा आपको काट कर निकालना होगा, किसमें से, पिक्चर में से, ठीक है। तो इसका आंसर है द पिक्चर शुड, यहां पर लिखा हुआ द पार्ट ऑफ द पिक्चर, पार्ट ऑफ द पिक्चर शुड बी ट्रिम्ड इज इक्वल टू विड्थ ऑफ द पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ द फ्रेम। तो विड्थ ऑफ द पिक्चर माइनस विड्थ ऑफ द फ्रेम, ठीक है। अब विड्थ ऑफ द पिक्चर कितना है, इतना निकाला था हमने 76 अपॉन 10 माइनस विड्थ ऑफ द फ्रेम कितना है 73 अपॉन 10। इन दोनों का, दोनों इक्वल नंबर है, यानी कि दोनों का एलसीएम भी इक्वली होगा, सेम ही होगा, यानी कि 10 होगा। और 10 में 10 का डिवाइड करते हैं तो आएगा 1, और 1 का मल्टीप्लाई 76 के साथ में करेंगे तो आएगा 76 माइनस, इसी तरह से यहाँ पर 73 आ जाएगा। 76 में से 73 अगर आप निकालोगे तो आएगा 3, और 3 अपॉन 10 इसका आंसर आ गया, यानी कि इतने सेंटीमीटर पिक्चर में से ट्रिम करके निकालना होगा, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, रितु 8 3 अपॉन 5 पार्ट ऑफ एन एप्पल एंड रिमेनिंग एप्पल वॉज इटन बाय हर ब्रदर सोमू, यानी कि रितु ने किसी एप्पल का 3 अपॉन 5 पार्ट उसने खाया और बाकी का रिमेनिंग एप्पल यानी कि जो भी बचा हुआ एप्पल था वो किसने खाया, उसके भाई सोमू ने खाया। हाउ मच पार्ट ऑफ द एप्पल डिड सोमू इट, यानी कि सोमू ने एप्पल का कितना भाग खाया। हु हैड द लार्जर शेयर, यानी कि किसका शेयर ज्यादा था, यानी कि किसने अधिक खाया और कितना। इसमें तीन क्वेश्चन है, इसमें 1, 2, 3। तो पहले को हल करते हैं, कोई भी मान लो ये एक एप्पल है, ठीक है, एक एप्पल है। अब इसका फाइव आपको कितने पार्ट करने हैं, फाइव पार्ट करने हैं, यानी कि फाइव अपॉन 3/5 लिखा हुआ है, यानी कि उसने उस एप्पल के फाइव पार्ट किए हैं, ठीक है। और फाइव पार्ट में से उसने तीन पार्ट खाया है, उसने, किसने, ऋतु ने। तो एप्पल तो एक ही था, एक एप्पल के कितने पार्ट किए उसने, फाइव पार्ट्स किए, और कितने हिस्से खाए उसने, तीन हिस्से खाए। तो एप्पल एक था, यानी कि ऋतु, सबसे पहले लिखेंगे ऋतु एक 3/5, इसलिए सोमू सोमू ने खाया 1 - 3/5, क्योंकि एप्पल कितना है, एक है। किसी भी चीज का अगर हम पार्ट करते हैं तो वो पार्ट छोटा हो जाता है, यानी कि मान लो ये एक रेक्टेंगल है और इसके मैंने चार पार्ट किए हैं और एक रेक्टेंगल को मैं फिल कर देता हूं, ठीक है, तो कितना पार्ट बचेगा, बिना फिल किया हुआ तीन पार्ट बचेगा। कैसे, इसमें इसके मैंने कितने पार्ट किए, फोर पार्ट किए, यानी कि 4/4, और इसमें से मैंने एक पार्ट मैंने फिल कर दिया तो कितना पार्ट बचा, 3/4 पार्ट,
तो इसको फिल किया गया पार्ट इसको हम लिख सकते हैं 1/4। ठीक है, तो इसी प्रकार एपल एक है इसलिए एक में से घटाएंगे तो 1 - 3/5 आ जाएगा। तो 5 1 = 5, 5 में से 3 को घटाएंगे तो आएगा 2, तो 2/5। यानी कि सोमू ने कितना पार्ट खाया एप्पल का, 2/5 पार्ट। ठीक है, ये पहले वाले का आंसर आ गया। हु हैड द लार्जर शेयर, अब इन दोनों में से सोमू ने कितना खाया और रितु ने कितना खाया। सोमू का कितना है 2/5, रितु का कितना है 3/5। तो जिसके न्यूमरेटर ज्यादा उसने अधिक पार्ट खाए, यानी कि 3 अधिक है इसलिए रितु ने अधिक एप्पल खाया। ठीक है, तो आपको लिखना है रितु हैड द लार्जर शेयर बाय हाउ मच, उसने कितना ज्यादा खाया। अब ज्यादा में से छोटे को घटाएंगे, कम को घटाएंगे, तो 3/5 - 2/5। तो घटाएंगे कैसे, 5 नीचे डिनोमिनेटर लिखेंगे, 5 में 5 का डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 पे तो 3 1 - 3 - 2 तो आएगा 1/5। यानी कि 1/5 पार्ट ज्यादा खाया किसने, रितु ने। तो आपको लिखना है रितु हैड द लार्जर शेयर बाय 1/5 पार्ट। इसी प्रकार से आपको लिखना है आंसर में, अपनी आंसर शीट पर, कैसे रितु हैड द लार्जर शेयर बाय 1/5 पार्ट। ठीक है, क्लियर, आप इसे पॉज कर सकते हो नोट इट डाउन के लिए, नोट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, माइकल फिनिश्ड कलरिंग अ पिक्चर इन 7/12 आवर्स, वैभव फिनिश्ड कलरिंग द सेम पिक्चर इन 3/4 आवर्स, हु वर्क्ड लॉन्गर, बाय व्हाट फ्रैक्शन वाज इट लॉन्गर। यानी कि किसने लंबे समय तक काम किया, एक ही फोटो थी। ठीक है, तो माइकल को उसी फ्रेम को, उसी पिक्चर को कलर करने में 7/12 आवर लगा, और उसी पिक्चर को कलर करने के लिए वैभव को 3/4 आवर्स का टाइम लगा। तो इसमें कह रहा है कि सबसे ज्यादा काम किसने किया, यानी कि जो ज्यादा देर तक काम करेगा तो वही लंबे समय तक काम करेगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है कि 3/4 ये है वैभव का और माइकल का है 7/12। अब देखो, मैंने पहले ही बताया था कि डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल होगा तभी आप छोटे और बड़े का पता लगा सकते हो। तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालोगे, 4 और 12 का, तो इसमें 2 से 2 2 = 4, 6 2 = 2, 3 2 = 6। अब ये दोनों प्राइम नंबर है तो 3 2 = 6, 6 2 = 12, यानी कि 12 आ गया इसका एलसीएम। अब 12 में 4 का डिवाइड करोगे तो आएगा 3, यानी कि 3 का दोनों में ही ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करोगे 3 से, और इस वाले संख्या में यहाँ पर 12 है और यहाँ पर भी 12 है, तो ये इसको एज इट इज रखेंगे क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी 12 है। तो इसको वैभव का हमें प्राप्त हो गया 3 3 = 9/12, और माइकल का ऑलरेडी है 7/12। अब देखो, इसने ज़्यादा काम किया 9/12 आवर्स और इसने 7/12 आवर्स, तो किसका ज़्यादा हुआ, वैभव का। तो आप लिख सकते हो वैभव वर्क्ड लॉन्गर बाय, अब बाय का मतलब है ज़्यादा में से कम को घटाना है, तो 9/12 - 7/12, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा एलसीएम। 12 में 12 का डिवाइड करेंगे तो 1, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ में तो आएगा 9, और यहाँ पर 7 तो आएगा 2/12। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 1 = 2, 2 6 = 12, तो 1/6।
ठीक है, तो आपको इसका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका पर यानी कि कॉपी में किस तरह से लिखना है कि वैभव वर्क्ड लॉन्गर बाय 1/6 आवर, यही लिखना है आपको। क्या? वैभव वर्क्ड लॉन्गर बाय 1/6 आवर, इसी तरह से आपको लिखना है अपनी आंसर शीट पर। तो ये था एक्सरसाइज 2.1। अगले वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 को सॉल्व करेंगे, एक एक प्रश्न को। सो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।